क्या आप जानते हैं आपने कौन सी सुपर पावर्स है, ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिनको अपनाकर आप अपनी लाइफ को बहुत बेहतर बना सकते हैं, अपनी लाइफ में सुख शांति समृद्धि को हमेशा के लिए लेकर आ सकते हैं। तो ये रीडिंग आपके लिए है। मैं हूं मोनिका जैन, सर्टिफाइड टैरो कार्ड रीडर, रेकी एंड क्रिस्टल ग्रैंड मास्टर। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल स्टार होलिस्टिक हीलिंग 111 में। गाइज, ये रीडिंग है कुंभ राशि के लिए जनवरी मंथ 2022, जिसमें हम देखेंगे कि उनकी क्वालिटीज, ऐसी कौन सी छिपी हुई क्वालिटीज है जिनको अपनाकर वो अपने जीवन में और प्रगति कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले सुपर क्वालिटीज से और उसके बाद हम देखेंगे करियर और लव रीडिंग। कुंभ राशि में ऐसी कौन सी क्वालिटीज है जिनको अपनाकर वो अपने जीवन को और बेहतर बना सके। एंजल ऑफ लव, हीलर ऑफ द एजेस, कॉन्ट्रैक्ट, एंड फाइनेंशियल। ठीक है, स्टार्ट करते हैं एंजल ऑफ लव से। जो कार्ड मुझे यहाँ दिखा रहा है कि आप लोग बहुत ही लविंग है, केयरिंग है और किसी का भी दिल आप नहीं दुखाते हैं, कभी भी नहीं। तो एंजल ऑफ लव मुझे ये भी दिखा रहा है कि किसी के इमोशंस को किस तरह आप संभाल के रखते हैं और बहुत ही लविंग एनर्जी, अपने आसपास के लोगों को खुशियां देना, सिर्फ आप इसी में ही बिलीव करते हैं। तो आपकी ये क्वालिटीज आपको लोगों के बीच में कुछ स्पेशल बना सकती है, अट्रैक्ट कर सकती है लोगों को और ज्यादा से ज्यादा कनेक्शन आपको दिलवा सकती है। तो ये आपके लिए करियर के लिए भी बेस्ट होता है और आपके ट्रू कनेक्शन के लिए भी बेस्ट होता है। तो एंजल ऑफ लव फिर से मैं एक बार दिखाऊंगी कि बहुत ही लविंग एनर्जी है जो कि दिखा रही है कि आपका हार्ट चक्र बहुत अच्छे से बैलेंस्ड है। आपकी लाइफ में कोई भी पर्सन हो वो आपसे हमेशा खुश ही रहने वाला है, किसी को भी आपको हर्ट नहीं, आप हर्ट नहीं कर सकते। अगर आप ऐसा कर रहे हैं तो मैं आपको याद दिला दूं कि ये आपकी सुपर पावर्स है जिन्हें अपनाकर आप अपनी लाइफ में अच्छे लोगों को अट्रैक्ट कर सकते हैं और लोगों के बीच अपनी एक अच्छी पहचान बना सकते हैं। तो अगर अभी तक आप सिर्फ रूडली बिहेव कर रहे थे या फिर नेगेटिव सोच रहे थे तो उन सबको जाने दें और एक अनकंडीशनल लव के साथ अपना नया साल, नई जिंदगी की शुरुआत करें। नेक्स्ट है हीलर ऑफ द एजेस, जो कि दिखाता है कि एक बार फिर से मैं कहूंगी कि आप अपने सभी रिश्तों को, अपनी लाइफ के हर एस्पेक्ट को हील कर सकते हैं बहुत ही अच्छे से। बहुत ही अच्छे से आप अपने हार्ट चक्र को ओपन कर रहे हैं, अपने मणिपुर चक्र को ओपन कर रहे हैं। आप देखेंगे इस कार्ड को तो आप देख पाएंगे इजीली कि हीलिंग क्वालिटीज आप में हैं। आप जो विश मांगे वो डेफिनेटली पूरी हो सकती है अगर आपने बहुत ही पॉजिटिवली सोचा है उसके बारे में। आज्ञा चक्र भी बहुत स्ट्रांग है जो कि दिखाता है आपको इंट्यूटिव मैसेजेस भी बहुत मिलते हैं। अगर कोई भी अच्छा आपके साथ होने वाला है तो डेफिनेटली आपको पहले ही इंट्यूशंस हो जाते हैं कि यस, मेरे साथ ऐसा होने वाला है। तो ये बहुत ही बेहतर क्वालिटी होती है जो कि आपको किसी भी गलत काम से बचा सकती है, या फिर अगर आपके साथ कुछ पॉजिटिव होने वाला है तो उसकी पहले से ही आपको इन्फॉर्मेशन हो सकती है। अगर आप कंफ्यूज हैं किसी भी चीज में तो आपको बहुत आसानी से सॉल्यूशंस मिल जाते हैं। तो अगर अभी तक आप ट्रस्ट नहीं कर रहे थे अपनी क्वालिटी पे कि मुझे इंट्यूशन हो रहे हैं या मुझे कोई मैसेज मिल रहा है, लेकिन नहीं, ऐसा नहीं है, तो ऐसा ना सोचे। जो मैसेज आपको मिल रहे हैं उनकी सुने, उन्हें समझे और चेक करे कि यस, ये मेरे साथ हुआ है या फिर होगा। तो डेफिनेटली आप समझ पाएंगे कि वो डिवाइन एनर्जी है जो कि आपको टाइम टाइम पे मैसेजेस दे रही है। नेक्स्ट मिलूंगी कॉन्ट्रैक्ट कार्ड, जो कि जस्टिस को भी दिखाता है, हार्मनी को दिखाता है। 6 नंबर कार्ड है, अगेन 2 6 नंबर कार्ड यहाँ पर है, 5 4 1 6 एंड 6 6 6 यहाँ पर दिख रहा है। हो सकता है जब आप वीडियो देखें तो आपको 6 6 नंबर दिखे, तो डेफिनेटली आपकी लाइफ में कोई ट्रू लव, सोलमेट कनेक्शन आने ही वाला है और हार्मनी आने वाली है, खुशियां आने वाली है, लग्जरी आने वाली है। बैलेंस कर सकते हैं आप अपनी सब सिचुएशंस को। अगर कोई भी नेगेटिव, अगर ये क्वालिटी में एज ए क्वालिटी में देखती हूँ कॉन्ट्रैक्ट कार्ड को, तो मैं ये कहूंगी कि
बहुत अच्छे से आप न्याय कर सकते हैं, बहुत अच्छे से आप समझ सकते हैं किसी भी रिश्ते को कि क्या सही है क्या गलत है, उसमें आप बहुत आसानी से फर्क बता देते हैं और कहते हैं ना डिसीजन ले लेते हैं कि यस ये राइट है मेरे लिए, ये सही है और ये गलत है। तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ पर दिख रही है, बहुत ज्यादा आप किसी बारे में नहीं सोचते हैं बट अपना डिसीजन बहुत क्विकली लेते हैं, आप बहुत ही जल्दी जल्दी डिसीजन लेते हैं कि यस मेरे लिए ये राइट है, मुझे ये करना है, खत्म बात। तो वो सिचुएशन मुझे यहाँ दिख रही है, लेकिन उसके लिए मैं कहूंगी कि वो डिसीजन बहुत जल्दबाजी में ना लें, आप में ऐसी क्वालिटी है कि आप सोच सकते हैं कि उसमें आपको क्या फायदा हो रहा है, क्या लग्जरी आपकी लाइफ में आने वाली है, उससे आपकी हार्मनी बैलेंस रहने वाली है कि नहीं, तो उस अकॉर्डिंग आपको डिसीजन लेना चाहिए। नेक्स्ट है फाइनेंशियल कॉन्सेंट्रेट्स। ये कार्ड मुझे यहाँ दिखाता है कि थोड़ा सा सोच समझ के निर्णय लें, पैसों को कहाँ खर्च करना है, कैसे इन्वेस्ट करना है। तो हो सकता है कि अभी इस वक्त, जैसा कि मैंने कहा कि बहुत जल्दबाजी में आप डिसीजन ले रहे हैं, तो आप में ये क्वालिटीज है कि आप बहुत आसानी से पैसे को मैनेज कर सकते हैं, आपको पता है कि क्या सही है क्या गलत है, लेकिन आप अभी इस वक्त मुझे ऐसा लग रहा है कि बहुत अच्छे से सेटल नहीं कर पा रहे हैं। तो थोड़ा सा फोकस करें, अपनी आंखें खोलें, थोड़ा सोच समझ के निर्णय लें, क्योंकि आप ले सकते हैं, अपने फाइनेंस को बहुत बेहतर बना सकते हैं। क्योंकि 4 नंबर यहाँ है तो वो दिखाता है कि आप कोई भी काम करो आपको उसमें सक्सेस मिल सकती है, बस आपको डिसीजन सही लेना है। तो अगर ये डिसीजन आपने सही लिया तो डेफिनेटली उसमें आपको अच्छी प्रोग्रेस मिलने वाली है। तो एक बार फिर से कुंभ राशि में दोहराऊंगी आपकी क्वालिटीज को, लविंग है आप, बहुत ज्यादा लविंग है, केयरिंग है, और शायद आपको भी बहुत ज्यादा लाइफ में लव चाहिए, केयर चाहिए। तो अगर जो चीज हम देते हैं वो हमें दुगनी तिगनी होकर मिलती है, तो अगर आप इसको लोगों तक पहुंचाएंगे तो आप तक भी पहुंच जाएगी। नेक्स्ट है हीलर ऑफ द एजेस, जो कि दिखाता है कि हीलिंग क्वालिटीज भी आप में हैं, जो भी आपके विश है उसको आप बहुत आसानी से पा सकते हैं, अच्छे थॉट्स देके, लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू और अपने चक्रास को बैलेंस करके। नेक्स्ट कार्ड मुझे दिखाता है कि कुछ भी डिसीजन लेने से पहले सोच समझ के निर्णय ले, थोड़ा पीसफुली ले, बहुत जल्दबाजी में कोई निर्णय ना करें। और लास्ट कार्ड है फाइनेंस पे थोड़ा फोकस करने की जरूरत है, बहुत जल्दबाजी में निर्णय लेने के कारण आपके फाइनेंस अटक गए हैं, देखिए किस तरह इसमें जाले लग गए हैं। तो पैसा है लेकिन फंसा हुआ मुझे यहाँ पर दिख रहा है, क्योंकि आपने आंखें बंद करके डिसीजन लिए अपनी जिंदगी के। तो थोड़ा सोच समझ के आपको डिसीजन लेना चाहिए, पेशेंस रखना चाहिए और उसके बाद ही कुछ निर्णय लेना चाहिए। अगर आपको लगता है कि आप ये नहीं ले पा रहे हैं तो कुछ टाइम के लिए किसी बड़े से आप गाइडेंस लेकर और फिर काम कर सकते हैं। तो ये क्वालिटीज आप में हैं जो कि मैंने फिर से आपको बताई है, और होपफुली आप आने वाले नए साल में इन सबको अपना कर ही अपने नए साल की शुरुआत करेंगे। नेक्स्ट हम देखते हैं कुंभ राशि का करियर रीडिंग। कुंभ राशि जनवरी मंथ कैसा जाने वाला है करियर में, जॉब में? क्वीन ऑफ पेंटेकल्स, टू ऑफ कप्स, टेन ऑफ कप्स, ओके, नाइट ऑफ वॉन्ड्स। कुंभ राशि जनवरी 2022, सेपरेशन, फाइटिंग एंड द फूल। ओके, स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि आपकी जनवरी की रीडिंग। क्वीन ऑफ पेंटाकल्स के साथ मैं स्टार्ट कर रही हूं, तो मैं कहूंगी कि अगेन मैं कहूंगी कि बहुत ना तो बहुत जल्दबाजी करें और न ही बहुत धीरे धीरे काम करें, जो भी करना है सही समय पे सही डिसीजन लेकर और फिर काम करें। पैसा है, स्टेबिलिटी है, अच्छी लाइफ है, लेकिन कहीं ना कहीं बर्डन बहुत है लाइफ में, जैसा कि मैंने बोला कि फाइनेंस आपके अटके हुए हो सकते हैं अभी। तो ये कार्ड भी यहाँ दिखाता है कि कहीं ना कहीं बर्डन है, जिम्मेदारियां बहुत ज्यादा है, लेकिन आप अभी तक ऐसा लग रहा है कि लेजी बने हुए हैं,
या तो डिसीजन नहीं लेते हैं या फिर बहुत जल्दबाजी में गलत डिसीजन लेते हैं। तो जनवरी मंथ भी आपको यही कह रहा है कि जो भी माइंड के सर के ऊपर जो बर्डन है, जो जिम्मेदारियां हैं, उसको पूरी करने की कोशिश करें। बहुत टाइम भी ना निकालें और बहुत ज्यादा फास्ट भी ना करें, सही समय पे सही डिसीजन लें। सेकेंड, टू ऑफ कप्स कार्ड है, जो कि यहाँ पर कहीं ना कहीं पार्टनरशिप को भी दिखाता है। और मैं ये कहूंगी कि कोई नया पर्सन आपके लाइफ में आ सकता है, लाइफ मेट मीन्स आपके बिजनेस में आ सकता है, एज ए पार्टनर आ सकता है, या फिर एज ए यही कहूंगी कुछ पर्सन के लिए, कुछ टाइम के लिए आ गया है तो आ सकता है। लेकिन एट ऑफ सॉर्ड के साथ थोड़ा सा हो सकता है कि वो आपको ठीक ना लगे या वो कुछ परेशानी दे जाए, तो उसके लिए भी थोड़ा संभल के आपको चलना है, संभल के काम करना है। बहुत जल्दी वो पर्सन लाइफ में आएगा और बहुत जल्दी निकल भी जाएगा, तो हो सकता है कि वो आपको नुकसान दे जाए। तो जो भी डिसीजन आप ले, थोड़ा सोच समझ के निर्णय ले। प्रॉपर्टी में इन्वेस्टमेंट हो सकता है, आप अपना घर बना सकते हैं जनवरी मिड में। अगर आप सोच रहे हैं कोई भी घर लेने की, जमीन लेने की, अगर किसी भी तरह का, तो डेफिनेटली चांसेस है और आप ले सकते हैं प्रॉपर्टी। अगर जॉब की सोच रहे हैं तो हो सकता है कि आपका ट्रांसफर हो जाए किसी दूसरी सिटी में। जॉब में अगर आप ट्रांसफर चाहते हैं तो सिटी में ट्रांसफर होने के भी बहुत स्ट्रांग चांसेस है। और जैसा कि मैंने बोला कि कोई नया पार्टनर लाइफ में आ रहा है, तो वो यस आ रहा है, कोई काम के लिए कुछ अपॉर्चुनिटी लेकर आ सकता है आपकी लाइफ में, लेकिन आपको सोच समझ के निर्णय लेना है। हो सकता है कि मिड में, जनवरी स्टार्टिंग में कोई आए, वो कुछ टाइम तक ही रहे और आपको नुकसान दे जाए, और फिर से जनवरी लास्ट में भी कोई और अपॉर्चुनिटी आपके सामने आए और आप फिर से एक नई शुरुआत करें। द फूल के साथ मैं एक कार्ड और निकालना चाहूंगी कि ये नई शुरुआत आपकी कैसी रहने वाली है। द फूल की जर्नी लास्ट में कैसी जाने वाली है। अगेन नाइट ऑफ वॉन्ड ही है जो दिखाता है कि अपने काम को लेकर आप बहुत पैशन से काम करेंगे। और हो सकता है जो जनवरी स्टार्टिंग में जो इंसान आपको धोखा देके जाएगा, आपको समझ आएगा कि अब मुझे काम करना है। हो सकता है उस वक्त आपकी एनर्जी जागे और फिर आप लग जाए अपने काम पे एक नई बिगनिंग के साथ। तो अगर आप ये रीडिंग देख रहे हैं और आपको समझ आ रहा है कि कोई इंसान नुकसान पहुंचा सकता है, तो आप उससे बच सकते हैं। ऐसा नहीं है कि अगर हमने सुन लिया तो वैसा होने ही वाला है। हम चाहें तो उस पर फोकस कर सकते हैं और अपने नुकसान से बच सकते हैं। नेक्स्ट मैं लूंगी आपकी लव लाइफ। कुंभ राशि की लव लाइफ कैसी जाने वाली है। ओके, कुंभ राशि लव लाइफ जनवरी। थ्री ऑफ स्वॉर्ड कार्ड आया है यहाँ पे स्ट्रेंथ कार्ड के साथ। ओके, लव लाइफ कुंभ राशि, लव लाइफ कुंभ राशि जनवरी 2022। ओके, स्टार्ट करते हैं कुंभ राशि आपकी लव लाइफ फाइव ऑफ स्वॉर्ड के साथ, जो कि दिखाती है कि अगर लाइफ में किसी अपने पार्टनर के साथ अगर किसी भी तरह का झगड़ा चल रहा है, अगर अनबन चल रही है, या फिर मैं ये कहूं कि नो कॉन्टेक्ट सिचुएशन है, या फिर कुछ टाइम के लिए ऐसा हो सकता है कि ब्लॉक भी किया हुआ है आपके पार्टनर ने आपको, तो थोड़ा इंतजार करने का टाइम है। अभी थोड़ा टाइम लगेगा, बट अपनी उम्मीद ना छोड़े, डेफिनेटली वो फिर से आपके रिश्ते ठीक होंगे और आपको आगे बढ़ने में मदद मिलेगी। 100% मुझे यहाँ द स्टार के साथ दिख रहा है कि फिर से एक बार नई शुरुआत आपकी होगी। हो सकता है कि अभी से ही ये सब चल रहा हो और दिस जनवरी स्टार्टिंग तक भी ऐसा ही रहे, लेकिन सही समय का आप इंतजार करें, जुड़े रहे उससे, बाहर अपने फैमिली से बाहर जाने की ना सोचें और उसी के साथ कनेक्ट रहें। 100% जो चीजें बिखरी हुई है वो जनवरी में सब ठीक हो जाएगी। एक बार फिर से थ्री ऑफ स्वॉर्ड कार्ड यहाँ पर आया है सब कुछ ठीक होने के बाद। तो ये कार्ड फिर से दिखाता है कि
थोड़ा फिर से आप परेशान रह सकते हैं, आपको बार बार पास्ट की चीजें याद आ सकती है, पास्ट की प्रॉब्लम्स आपके सामने होगी, लेकिन आपको बहुत ज्यादा रिएक्ट नहीं करना है, प्रैक्टिकल होकर डिसीजन लेना है, बहुत ज्यादा इमोशंस अपने नहीं दिखाने हैं और अपने इमोशंस को बिल्कुल बैलेंस रखना है और अपनी स्ट्रेंथ पे फोकस करें। अगर आप बहुत ज्यादा अपने आप पे कंट्रोल कर सकते हैं, अपनी इच्छाओं पे कंट्रोल कर सकते हैं, आप रिएक्ट ना करें तो उसके लिए अपने इमोशंस पे कंट्रोल कर सकते हैं, तो जो भी आपकी विश है डेफिनेटली वो पूरी होगी। वो इंसान जिसको आप चाहते हैं वो आपकी लाइफ में वापस आएगा ही आएगा। तो द ड्रीम कार्ड के साथ बहुत ही अच्छी एंडिंग मुझे यहाँ जनवरी में दिख रही है, जो कि फाइव ऑफ सॉर्ड के साथ शुरू हुई है, थोड़ी अनबन के साथ शुरू होगी और एट लास्ट वो पर्सन आपकी लाइफ में आपको बहुत सारा प्यार करने के लिए आने ही वाला है। जो आपके सपनों में है वो आपके पास आएगा ही आएगा। एक बात और मैं यहाँ कहूंगी कि अगर आप थोड़ा ट्रेवल करें अपने पार्टनर के साथ, कुछ टाइम स्पेंड करें साथ में, हॉलीडेज के लिए जाएं, तो भी ये सब चीजें ठीक हो सकती है, ये सारी सिचुएशन आप ठीक कर सकते हैं। और टू ऑफ पेंटाकल्स के साथ डेफिनेटली यहाँ पर दिख रहा है सी के आसपास कहीं पर आपको जाना चाहिए, थोड़ा सा घूम के आना चाहिए, टाइम स्पेंड करना चाहिए, बहुत ज़्यादा सोचना नहीं चाहिए और अच्छे समय मतलब अपने इमोशंस को कंट्रोल करके बहुत ज़्यादा आर्ग्यूमेंट में ना फंसे और प्रैक्टिकली डिसीजन लेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा। यहाँ मैरिज मुझे अभी नजर नहीं आ रही है, बट हाँ हो सकता है कि द स्टार के साथ कुंभ राशि, कुंभ राशि के रीडिंग में कुंभ राशि का ही कार्ड आया है जो कि दिखाता है कि थोड़ा स्ट्रगल मतलब बहुत स्ट्रगल हो चुका है, अभी अच्छा रिजल्ट आने का टाइम है। तो जनवरी में होपफुली कोई रिश्ता आपके लिए आ सकता है और हो सकता है कि वो आपको पसंद आए। और द सन यहाँ पर सन कार्ड है ट्रेवलिंग के साथ में, तो ये दिखाता है कि वो रिश्ते के साथ आप कनेक्ट हो जाए, मैं शादी नहीं कहूंगी लेकिन हाँ कोई एक नया रिश्ता आ सकता है जिसके साथ आप आपका कनेक्शन हो जाए। और द लास्ट कार्ड ड्रीम कार्ड तो है ही सही, तो ड्रीम कार्ड तो डेफिनेटली दिखा रहा है कि बहुत टाइम से जिस पार्टनर को आप सोच रहे थे कि मुझे ऐसा ही पार्टनर अपनी लाइफ में चाहिए, तो वो आपको जनवरी लास्ट तक तो डेफिनेटली मिलने ही वाला है। ओवरऑल सभी कार्ड्स को देखकर मैं यही कहना चाहती हूँ कि बहुत इमोशनली डिसीजन ना लें, अगर कुछ गलत भी हुआ है लाइफ में तो थोड़ा सा पेशेंस रखें और सही समय का इंतजार करें और सही समय पे सही निर्णय लेने की कोशिश करें। देखते हैं कुंभ राशि आपके लिए एंजल के मैसेजेस। कुंभ राशि के लिए एंजल के मैसेजेस के अपने आप ही आए हैं। लॉ ऑफ अट्रैक्शन सबसे पहले मैं एक कार्ड लूंगी जो कि द ड्रीम कार्ड भी दिखाता है कि जो आप चाहते हैं उसको विजुलाइज करना स्टार्ट कर दे अपनी लाइफ में कि मुझे वो चीज मिल गई है, मुझे वो चीज मिल गई है, मुझे वो चीज मिल गई है। तो डेफिनेटली अगर आप किसी पर्सन को चाहते हैं, एक अच्छे पार्टनर को चाहते हैं, तो आप बोल सकते हैं कि मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है, मुझे मेरा सोलमेट मिल गया है। ऐसी चैंटिंग आप कर सकते हैं, लिख सकते हैं, तो जितना आप लॉ ऑफ अट्रैक्शन के थ्रू अगर अपनी विशेष को पूरी करेंगे उतनी ही जल्दी आपकी विशेष पूरी होती जाएगी। इमोशनल सेंसिटिविटी, जैसा कि मैंने आपको कहा है कि बहुत ज्यादा इमोशनल ना हो, प्रैक्टिकल होके डिसीजन ले, तो एंजल भी आपको ये कह रही है कि बहुत ज्यादा इमोशनल होकर ना सैड हो ना ही ज्यादा खुश हो, बैलेंस्ड रहे, प्रैक्टिकल रहे। लास्ट कार्ड है क्रिस्टल। अगर आपको लगता है कि किसी क्रिस्टल को यूज करने से, पहनने से, उसका पानी पीने से आपको पॉजिटिविटी मिलती है तो डेफिनेटली आप यूज कर सकते हैं। और मैं ये कहूंगी कि क्रिस्टल ये भी दिखाता है कि अपने थॉट्स को क्लियर रखने से भी लाइफ में डिसीजन हम सही ले पाते हैं। तो कुंभ राशि ये थी जनवरी के लिए आपकी रीडिंग। आपको रीडिंग पसंद